आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको अगले अपडेट में। इसके अलावा वृद्धावस्था की पेंशन पाने वाले बुजुर्गों और महिलाओं के लिए खुशखबरी, अगले महीने से मिलेगी दुगनी पेंशन, खाते में आएंगे पूरे 1000। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको अगले अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, घर बैठे और लगेगी नंबर प्लेट। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, अब 31 मई 2022 तक फ्री मिलेगा राशन। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बिस्लेरी से पानी पीने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। वही फ्री वाईफाई को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर रही है। इसके अलावा आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने को लेकर भी एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, पूरी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा इस राज्य में शिक्षक बहाली को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा स्मार्टफोन यूजर्स के लिए यहाँ पर सावधान करने वाली खबर है, आपका अकाउंट भी खाली करने आ गया है जोकर वायरस ऐप को, अपने फोन से तुरंत करें डिलीट। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है बताएंगे आपको एक एक करके अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो राशन कार्ड होल्डर्स के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 6 माह फ्री मिलेगा राशन। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के समय से यहाँ पर दिल्ली सरकार गरीबों को फ्री राशन दे रही है, वही दिल्ली सरकार ने अब इसकी अवधि को और बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया। दरअसल दिल्ली कैबिनेट ने राशन कार्ड होल्डर्स के लिए 6 माह तक यहाँ पर फ्री राशन देने की घोषणा यहाँ पर की है। अब दिल्ली वालों को 31 मई 2022 तक फ्री राशन मिलता रहेगा। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि राशन कार्ड होल्डर्स के लिए फ्री राशन देने की अवधि समाप्त हो गई थी, अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के मामलों में तेजी की वजह से इस अवधि को यहाँ पर बढ़ाया गया है, इसका विस्तार कर दिया गया है। वही दिल्ली कैबिनेट ने इस संबंध में यहाँ पर फैसला लिया है कि अब ये व्यवस्था है जो आगे यहाँ पर 31 मई 2022 तक यहाँ पर दिल्ली के अंदर लागू रहेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात के 8 बड़े शहरों में 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है नाइट कर्फ्यू, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रहेगा प्रतिबंध जारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने सोमवार को 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। वही इन शहरों में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ शामिल है। वही क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए सरकार ने यह कदम यहाँ पर उठाया है। अब रात यहाँ पर 1 बजे से सुबह 5 बजे तक गुजरात के इन शहरों में पाबंदियां रहेगी। वही इन शहरों में रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले से यहाँ पर जारी था। वह नवंबर महीने में कोरोना के मामलों में कमी और दिवाली छठ पूजा की वजह से कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट यहाँ पर दी गई थी। वह क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए सरकार ने यह फैसला यहाँ पर किया है। वही सरकार ने 31 दिसंबर तक यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर नजर आते हैं। वह पब्लिक प्लेस के साथ साथ रेस्टोरेंट जैसी दूसरी जगहों पर भी भीड़ नजर आती है, ऐसे में कोरोना का खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है। नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकलने की पाबंदी यहाँ पर गुजरात में रहेगी। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन की संख्या है जो लगातार बढ़ रही है। भारत में लगातार ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब देश में कुल 161 मामले अभी तक यहाँ पर सामने आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना की बूस्टर डोज की तैयारी में भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन की तीसरी क्लिनिकल ट्रायल की मांगी है मंजूरी। भारत बायोटेक ने नाक के जरिए दी जाने वाली कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक के तीसरे चरण के लिए नैदानिक परीक्षण के लिए यहाँ पर डीजीसीआई के 5 आवेदन भेजा है। समाचार एजेंसी एनआईए ने अपने सूत्रों के हवाले से यहाँ पर सोमवार को ये जानकारी दी है। वह इस वैक्सीन का सबसे खास बात यह है कि यह उन सभी लोगों को दिया जा सकती है, मतलब जो वैक्सीन है उन लोगों को दी जा सकती है जिन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में से किसी एक का भी यहाँ पर टीका लगवाया हो, उसको यहाँ पर यह वैक्सीन दी जा सकती है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ेगा चुनाव सुधार विधेयक, लोकसभा से मिली है मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच चुनाव सुधार संबंधित विधेयक यानी इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल को पास यहां पर कर लिया गया है। इससे पहले कल सुबह यहां पर संसद का गतिरोध खत्म करने के लिए एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन इसमें विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने भाग नहीं लिया था। वह चुनाव सुधार बिल यानी निर्वाचन विधि विधेयक 2021 में आधार कार्ड को यहाँ पर वोटर आई डी कार्ड से जोड़ने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। विधेयक को लेकर जो ये विधेयक था इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस, टीएमसी समेत दूसरे जो विपक्षी दल थे उन्होंने जमकर यहाँ पर सदन में हंगामा किया। वही चुनाव कानून विधेयक 2021 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा संचालित एक यहाँ पर सबसे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित यहाँ पर इसको कर दिया गया। वही कांग्रेस ने मांग की है कि विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा जाए। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अगले 6 महीनों तक हड़ताल पर रोक, अधिसूचना हुई है जारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर यहाँ पर एस्मा एक्ट लागू यहाँ पर कर दिया है, जिसके तहत यूपी में 6 महीनों के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है।
वही मुख्य सचिव की ओर से संबंध में अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य क्रियाकल्पों से संबंधित किसी भी लोक सेवा या फिर निगम या फिर स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद हड़ताल करने वाले के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इससे पहले भी यहाँ पर कोरोना के चलते प्रदेश में एस्मा यहाँ पर लगाया गया था। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने फैसला लेते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को 6 महीने के लिए यहाँ पर लागू किया था। इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से की पाबंदी यहाँ पर थी। एस्मा के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक यहाँ पर किसी भी तरह की हड़ताल यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी हड़ताल पर वो नहीं जा सकते। अगर कोई भी यहाँ पर कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाता है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। वही यूपी को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए। यूपी के 86 लाख बुजुर्गों और महिलाओं को एक जन्म से दुगनी पेंशन, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। उत्तर प्रदेश के 86 लाख गरीब बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को एक जन्म से दुगनी यानी 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन उनको मिलने लगेगी। वही 11 लाख दिव्यांगों को 1 दिसंबर से इसी सुविधा का लाभ यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। वही सभी को 1000 रुपए की पेंशन यहाँ पर मिलेगी। अभी 500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलती थी। इसका जो शासनादेश है वहाँ पर जारी हो चुका है। वही पूरे बजट में पेंशन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। वही समाज कल्याण विभाग ने अपने शासनादेश में कहा है कि कोविड महामारी के दौरान महंगाई और मुद्रास्फीति संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। अभी 56 लाख बुजुर्गों को इसका यहाँ पर लाभ मिल रहा है। वही महिला कल्याण विभाग की सचिव ने यहाँ पर अब जारी अपने शासनादेश में बताया कि 20 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने के लिए कुल 425 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत यहाँ पर होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिस्लेरी ने मोबाइल ऐप किया है लॉन्च, घर बैठे कभी भी मंगवा सकते हैं मिनरल वाटर। मिनरल वाटर बेचने वाली दिग्गज कंपनी बिस्लेरी अपना मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। वैसे ऐप के जरिए अब ग्राहक कभी भी घर बैठे मिनरल वाटर की बोतल यहाँ पर मंगवा सकेंगे। वही कंपनी ने फिलहाल इस ऐप को देश के 26 शहरों में चालू किया है, यानी इससे 26 शहरों में से एक्टिवेट यहाँ पर किया है। वही कॉन्सेप्ट फॉर आधारित ये जो है यहाँ पर एप्लीकेशन, इसके जरिए यहाँ पर कंपनी ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा देने और ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के प्रयास का एक हिस्सा यहाँ पर है। वही कंपनी को इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का यहाँ पर आइडिया उस वक्त आया जब कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में हर कोई अपने घर में बंद रहने से मजबूर यहाँ पर था। इस दौरान कंपनी ने मिनरल वाटर की ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ पर शुरू की थी। वही बिस्लेरी ने अपने इस ऐप पर अन्य प्रोडक्ट भी उपलब्ध यहाँ पर करवाए हैं, यानी दूसरे कुछ प्रोडक्ट है उसको भी यहाँ पर बिस्लेरी ने उपलब्ध करवाए हैं। बिस्लेरी ऐप पर आप सक्सेसफुल ऑफ सर्विस में दिया गया है, इससे ग्राहकों को वन टाइम पेमेंट के बाद लगातार पानी की डिलीवरी यहाँ पर जारी रहेगी। वही बिस्लेरी का जो एप्लीकेशन है वो iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए यहाँ पर 24 घंटे और सातों दिन या रात कभी भी ऑर्डर के लिए 24 घंटे के भीतर आपके घर तक प्रोडक्ट की डिलीवरी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, घर बैठे मिलेगी नंबर प्लेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 से पहले यहाँ पर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नियम को तैयार किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई यहाँ पर जा रही है। लेकिन लोगों को ये नंबर प्लेट लगवाने के लिए RTO के यहाँ पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या फिर दलाल का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है अब आपको यहाँ पर घर बैठे आसानी से आपको अपने घर के एड्रेस पर मिल जाएगी। अब आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अपने घर पे बैठे यहाँ पर इसको लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूजर्स हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बुक माय SHRP ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। वही अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आपको जो आपका आईफोन स्टोर है वहाँ जाकर आप पर iOS ऐप को डाउनलोड यहाँ पर करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप नंबर प्लेट के संबंधित रजिस्ट्रेशन ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल या फिर रिफंड आदि का ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं। वही ऐप की मदद से आप घर बैठे अपनी जो गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के अंदर करवा सकते हैं। वही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कार एंड बाइक सर्विस एग्री सेंटर जो एग्रीगेटर है उसका रास्ता ऑटोटेक ने यहाँ पर बुकमाई HRFs को यहाँ पर करार इसमें किया है। वही शुरुआती दौर में ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डिलीवरी सुविधा यहाँ पर शुरू की जाएगी, जिससे अब ग्राहकों के घर बैठे यहाँ पर जो ग्राहक है वो घर बैठे अपने जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो गाड़ी में यहाँ पर लगवा सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ट्रेन में सफर के दौरान चादर और कंबल ले जाने की झंझट खत्म, रेलवे ने शुरू की एक बेहतरीन पहल। रेल यात्रियों से जुड़ी एक अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल अब यात्रियों को यात्रा करने में थोड़ी यहाँ पर सहूलियत मिलेगी, क्योंकि
ठंड के मौसम में अक्सर यात्रा के दौरान यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर यात्री घर से यहाँ पर कंबल चादर लेकर आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेलवे ने खास पहल यहाँ पर शुरू किया, यानी रेलवे ने खास पहल की यहाँ पर शुरुआत की है। रेलवे अब यहाँ पर डिस्पोजेबल बेडरोल की सुविधा यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। कहता है कि COVID-19 के चलते यहाँ पर पिछले 2 साल से भारतीय रेलवे की जो सुविधा थी यहाँ पर ये बंद थी, अब इसे एक बार फिर यहाँ पर चालू किया जा रहा है। इसे सर्विस के चालू होने के बाद यहाँ पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बता दें आपको कि इस खास सर्विस के तहत यात्रियों को 150 रुपए में यहाँ पर डिस्पोजेबल बेडरोल यहाँ पर मिलेगा। यात्रियों का यहाँ पर बोझ थोड़ा कम होगा, नहीं तो यहाँ पर यात्री घर से यहाँ पर कंबल चादर पर लेकर आते थे, लेकिन ये सुविधा लंबी दूरी की यात्रियों को यहाँ पर दी जा रही है। वही रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये सुविधा यहाँ पर देश की कुछ चुनिंदा गाड़ियों में ही मिलेगी, जैसे कि मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है, मुंबई दिल्ली अगस्त क्रांति है, इसके अलावा यहाँ पर गोल्डन टेम्पल मेल है, ऐसी ट्रेनों में ये सुविधा फिलहाल यहाँ पर चालू की गई है। वही रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के छोटे स्टेशन पे हुए हैं वाईफाई से लैस, यात्री फ्री में ले सकते हैं नेट का मजा। अगर आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे अपनी गाड़ी का इंतजार अगर आप कर रहे हैं, तो अपने फोन का नेट आप बंद करके स्टेशन पर मौजूद वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री। पहले ये सुविधा राजस्थान के केवल बड़े स्टेशनों पर यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अब छोटे स्टेशनों पर भी ये सुविधा राजस्थान में उपलब्ध होने लगी है। भाई रेलटेल ने 6,070 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर इस सुविधा को स्थापित यहाँ पर कर दिया है। भाई रेल यात्रियों को इसका फायदा मिल रहा है। भाई बड़े रेलवे स्टेशन या फिर जंक्शन पर वाईफाई मिलते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन अब छोटे स्टेशनों पर भी ये सुविधा आपको मिलने लगेगी। अगर आपके यहाँ पर ट्रेन आने में समय है तो आप अपने फ़ोन का नेट बंद करके रेलवे के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधा आपको केवल आधा घंटे के लिए ही मिलेगी। इस सुविधा का सबसे ज़्यादा फायदा प्रतियोगिता में बैठने वाले उन स्टूडेंट्स का होगा जो प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हैं और उस समय उस शहर में नेटबंदी होती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो स्मार्टफोन यूजर्स हो जाए सावधान, आपका अकाउंट खाली करने आ गया है जोकर वायरस, इस ऐप को अपने फोन से तुरंत करें डिलीट। अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो आपको तुरंत ये जांचना होगा आपके फोन के अंदर कि क्या आपका फोन मॉलवेयर अटैक से इन्फेक्टेड है या नहीं। अगर है तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल जो जोकर वायरस एक बार फिर गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। इसका पता पहली बार 2017 में चला था और एंड्रॉइड यूजर्स के फोन पर आक्रमण करने के लिए साइबर अपराधियों ने सबसे लोकप्रिय यहाँ पर पसंद यहाँ पर बन गया है। अब जोकर जो वायरस है वो एक ऐप में यहाँ पर पाया गया, जिससे पहले गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ पर 5 लाख बार इसे डाउनलोड किया जा चुका है। यानी एक ऐसा ऐप है जिसको 5 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है, इस ऐप में ये वायरस यहाँ पर आया है, यानी इसके इस ऐप के अंदर यहाँ पर है। वही इतनी बड़ी संख्या में यूजर्स के लिए यहाँ पर जो गंभीर खतरा वो पैदा करने वाले ऐप को लेकर कलर मैसेज के नाम से इस ऐप को जाना जाता है। ये ऐप है, इसको यहाँ पर कलर मैसेज के नाम से इस ऐप को यहाँ पर जाता है। ये एक नए इमोजी के साथ SMS टेक्सिंग को मजेदार बनाने का दावा ये ऐप करता है। इस ऐप में ये वायरस यहाँ पर पाया गया। अगर आपके फोन में भी ये यहाँ पर ऐप है तो उसे तुरंत यहाँ पर अनइंस्टॉल कर दें। वही अगर आप इन यहाँ पर 5 लाख लोगों में से हैं जिन्होंने जोकर संक्रमित कलर मैसेज ऐप को डाउनलोड यहाँ पर किया है, तो इसे अपने डिवाइस से तुरंत हटा लें। आप अनइंस्टॉल का ऑप्शन प्राप्त करने के लिए सीधे यहाँ पर मेनू ऐप कर जो है उसके ऊपर यहाँ पर उसे दबा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर खोल सकते हैं और फिर यहाँ पर मेनू में जाकर माई ऐप्स और गेम्स के ऑप्शन में कलर मैसेज ऐप को सेलेक्ट करें, फिर अनइंस्टॉल इस ऐप को कर दें, वरना आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तब एयर इंडिया के कर्मचारियों को मिलता रहेगा ग्रेच्युटी और PF का लाभ, सरकार ने संसद में दी है जानकारी। सरकार ने कहा कि वह एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और PF का लाभ देती रहेगी। अभी हाल में एयर इंडिया का निजीकरण यहाँ पर हुआ है और इस कंपनी को टाटा ग्रुप के हाथों यहाँ पर बेचा गया है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की चिंता को दूर करते हुए सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि उन्हें ग्रेच्युटी और PF यानी प्रोविडेंट फंड का लाभ यहाँ पर उन्हें मिलता रहेगा। साल 2003-04 के बाद 2021 में पहली बार सरकारी कंपनियों का निजीकरण यहाँ पर हुआ है। इन कंपनियों में यहाँ पर एयर इंडिया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम है। वही एयर इंडिया को यहाँ पर टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा TET कैंसिल की हुई है जारी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं चेक। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET की यहाँ पर आंसर की जो है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट यानी BESEH.ORG.IN पर जाकर इस बारे में यहाँ पर आंसर की कोई PDF को यहाँ पर देख कर सकते हैं, आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं। वही यहाँ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से यहाँ पर ये जो HTET की लेवल 1 और 2 और 3 यानी यहाँ पर PRT, TGT और PGT
के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन यहाँ पर 18 और 19 दिसंबर 2021 को यहाँ पर किया गया था। वही 2 दिन में आंसर की भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास अब हरियाणा टीईटी 2021 के आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी यहाँ पर है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द। राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती का जल्दी नोटिफिकेशन यहाँ पर राजस्थान में जारी होने वाला है। दरअसल इस बात के संकेत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यहाँ पर दिए है। राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकेंगे। वही रीट 2021 में मिले अंकों के आधार पर बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मेरिट लिस्ट बनाकर यहाँ पर जारी करेगा। वही नोटिस के अनुसार बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पात्र जो परीक्षार्थी है उनकी यहाँ पर एकेडमिक इंडेक्स से यहाँ पर 10% मार्क अपना जोड़ेगा। इसके बाद फाइनल मेरिट यहाँ पर लिस्ट बनेगी। इसके बाद सरकार जो नियुक्तियां है वो यहाँ पर देगी। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक कानाराम ने बताया है कि उनकी तरफ से 31,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो सरकार को भेजी जा चुकी है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा निदेशालय ने पदों पर यहाँ पर वर्गीकरण करने की यहाँ पर कार्रवाई कर ली है। अनुमति की यहाँ पर अनुमति के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। सरकार से मंजूरी मिलते ही भर्ती का जो नोटिफिकेशन है राजस्थान में यहाँ पर जारी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड में शिक्षक नियुक्ति का इंतजार में बैठे शिक्षित बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, नए साल में इतने हजार होगी बहाली। झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर निकल गया। दरअसल नए साल यानी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की तैयारी झारखंड के अंदर हो रही है। वह सबसे ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर होगी। भाई 10,000 नहीं बल्कि यहाँ पर जितना आप सोच रहे होंगे उससे भी अधिक। इस बाबत में यहाँ पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक ऐलान यहाँ पर कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगले साल यानी अगले वित्त वर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। ये सब शिक्षा की गुणवत्ता में यहाँ पर सुधार के लिए किया जा रहा है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी सरकार देगी। इसका असर भी यहाँ पर हुआ है। उनकी सरकार बन गई है। इसके बाद यहाँ पर पिछले 2 सालों से झारखंड में युवा और बेरोजगार नौकरी की मांग कर रहे हैं। वही हेमंत सोरेन ने बार बार यहाँ पर कहते हैं कि यह नियुक्तियाँ इसी साल होगी, लेकिन नौकरियों का इंतजार कर रहे शिक्षक तो उसके लिए यहाँ पर जगन्नाथ जो यहाँ पर उनके शिक्षा मंत्री है उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर कही है यानी शिक्षित बेरोजगारों के लिए। इस बीच यहाँ पर झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बड़ी यहाँ पर ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड के अंदर 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। वही 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर झारखंड के अंदर साल 2022-23 वित्तीय वर्ष में यहाँ पर झारखंड के अंदर इनकी बहाली की जाएगी।